हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत 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 आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिस देश के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ का पान केक खा लिया तो समझिए कि आपका दिन बन जाएंगे। इस देश के लोग थोड़े अलग होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग नॉर्मल ऑयल से नहीं बल्कि क्रूड ऑयल से मसाज करवाना पसंद करते हैं। यहाँ की साफ सफाई देखकर किसी का भी दिल इस देश पर आ जाएगा। आज भी कई लोगों को ये नहीं पता है कि ये देश एशिया में है कि यूरोप में। कई लोगों को लगता है कि ये एशिया का ही हिस्सा है तो कई कहते हैं कि ये यूरोप का हिस्सा है। आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं वहाँ की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत मानी जाती है, साथ ही इस देश के लोगों में भी चाय पीने का एक अलग ही जुनून है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश अजरबैजान की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं अजरबैजान देश के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। ये देश ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा। यहाँ के 57% आबादी शहरों में रहती है जबकि 43% पॉपुलेशन गांव में रहती है। इस देश को आज के दिन में जवानों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ का औसतन उम्र है 32 साल। अजरबैजान की राजधानी शहर है बाकू, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस शहर में आपको बिल्कुल ही इटली की वेनिस सिटी वाली फीलिंग आएगी क्योंकि इस शहर में मैन मेड वाटर वे बनाया गया है जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, वो भी बोट की मदद से। एक तो इस शहर में चारों तरफ वाटर कैनल देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये बहुत ही क्लीन सिटी भी है। आपको यहाँ पेपर का एक भी टुकड़ा नीचे गिरा हुआ नहीं मिलेगा। बाकू शहर बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी बहुत भाता है। यहाँ के नाइट लाइफ तो वैसे भी वर्ल्ड में फेमस है, तभी तो इस शहर में आप जब भी जाओगे आपको भरा भरा ही लगेगा क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। आपको भी मौका मिले तो जरूर घूमने जाना बाकू। जब नाम यहाँ की राजधानी का ले ही रहे हैं तो आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आजकल बाकू बॉलीवुड वालों की पसंदीदा जगह बन गई है। यहाँ की शूटिंग बॉलीवुड की कई सारे फिल्मों में देखने को मिलती है और तो और फिल्म शूट को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ की गवर्नमेंट कई सारे इंडोर स्टूडियोज भी बना रही है। इन्हें भरोसा है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से लोग यहाँ काम करने आएंगे। अजरबैजान में सबसे ज्यादा अजेरी भाषा बोली जाती है लेकिन साथ ही रशियन भाषा भी यहाँ की पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। यहाँ आने वालों के लिए एक ही परेशानी है कि अजरबैजान में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। आपको बता दें कि अजरबैजान के लोगों के बीच में पैनकेक खाना बहुत फेमस है। यहाँ के लोगों को सुबह शाम दोनों ही समय केक तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर हर घर में इस पकवान को स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, साथ ही इसे अच्छे से बैठकर पूरी फैमिली के साथ खाया भी जाता है। जैसे हमारे देश में किसी भी अच्छे मौके पर हम मीठा खाते हैं, वैसे ही इस देश में भी पैनकेक खाया जाता है। यहाँ के पैनकेक बहुत ही मीठे होते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग घर के ही बने पैनकेक ज्यादा खाते हैं। जब बात हो रही है खाने पीने की तो ये भी समझ लीजिए कि अजरबैजान में चाय की चुस्की बहुत स्पेशल है। जी हाँ, चाय पर चर्चा कहें तो गलत नहीं होगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन में औसतन 7-7 कप चाय पी जाते हैं। आपको अजरबैजान देश के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने देश हिंदुस्तान की याद आ जाएगी। अजरबैजान देश के लोगों के बीच में मीठा खाना बहुत लोकप्रिय है। जैसे हमारे इंडिया में किसी भी शादी फिक्स होती है तो हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, वैसे ही इस देश में अगर दो परिवार के बीच में रिश्ता तय होता है तो आपको यस या नो करने की जरूरत नहीं है। अगर चाय मीठी बनी है तो समझिए कि दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद है, नहीं तो मतलब होता है ना। अगर चीनी थोड़ी सी भी फीकी हो गई तो समझिए कि अभी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। यहाँ के ऑफिसेज में ही सबसे ज्यादा चाय की खपत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जब भी लोग मिलते हैं तो सबको सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है, मतलब चाय के बिना कुछ नहीं होता यहाँ। अजरबैजान देश में कई ऐसे शहर है जहाँ पर लोगों के बीच में क्रूड ऑयल से नहाना बहुत पॉपुलर है। लोगों के मन में ये बात ना जाने कहाँ से बैठ गई है कि जो इंसान क्रूड ऑयल से नहाएगा उसे कभी कोई स्किन समस्या नहीं होगी। इसीलिए कई ऐसी जगह है जहाँ पर के टब बनाया गया है और लोग यहाँ क्रूड ऑयल से नहाते हैं। हर देश की अपनी बात होती है भाई। अजरबैजान के लोग आपसे खुश हैं या नाराज वो आपको सीधे मुंह नहीं बताते, मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको सीधे तौर पर कुछ नहीं बताएगा। यहाँ के लोग प्रोवर्ब का खूब इस्तेमाल करते हैं, हर बात में इनके पास कोई ना कोई प्रोवर्ब होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। लगता है कि सब के सब यहाँ पर कवि ही हैं।
वैसे आपको बता दें कि ना सिर्फ बोलने का बल्कि यहाँ के लोगों को लिखने का भी बहुत शौक है। अजरबैजान देश के लोगों को भाषण देने का बहुत एक्सपर्ट होता है, तभी तो कहते हैं कि इस देश में हर इंसान ही नेता है। वैसे हमारे देश में भी ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अजरबैजान में घोड़ों को हीरो की तरह देखा जाता है। यहाँ पर इस जानवर की बहुत इज्जत होती है। आपको बता दूं कि घोड़ों की वजह से ही यहाँ पर खेती की जाती है और कई लोग जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो घोड़ों की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव में भी घोड़े नजर आते हैं जिनकी मदद से लोग अपना काम करते हैं। दुनिया को लगता है कि अजरबैजान देश के पास पैसे, तेल और गैस को निर्यात करने से आता है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में ऑयल एंड गैस के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि निर्यात की जाती है। ये है ग्रेन्स, ग्रेप्स, कॉटन और लाइव स्टॉक। यहाँ के कुछ चीजें तो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। सबसे जरूरी है कि यहाँ के ग्रेन्स को पूरे यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अजरबैजान देश में गोल्ड का भी बड़ा कारोबार होता है। यहाँ की तुलना अक्सर लोग दुबई से कर देते हैं क्योंकि वो भी गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर आपने इस देश का गोल्ड नहीं यूज किया तो क्या किया। यहाँ के सोने की क्वालिटी सबसे टॉप क्लास होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर सोने चांदी खरीदने का शौक सबको होता है और लोकल लोग भी बड़े लेवल पर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अजरबैजान के लोगों के बीच में आर्म रेसलिंग का बहुत फेमस है। अगर आप इस देश की कैपिटल सिटी में हैं तो आप इस तरह के मुकाबले को देख सकते हैं। अगर आप बाकू में हैं तो आपको जरूर इस तरह के मैच देखने चाहिए। यहाँ इस तरह का मुकाबला देखना आपको अच्छा तो लगेगा, साथ ही साथ आपको इस तरह के मुकाबले में पैसे जीतने के भी मौके मिल सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मड वॉल्केनो अजरबैजान देश में देखने को मिलता है। यहाँ जब ये वॉल्केनो फटते हैं तो इसमें से एक अलग ही किस्म की बू आती है। कोई लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने अंडे को जला दिया हो। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 400 से ज्यादा मड वॉल्केनोज मौजूद हैं। वेल, हर देश की अपनी अपनी बात होती है, लेकिन अजरबैजान देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मुंह फट होते हैं। यहाँ के लोगों के दिल में जो बात होती है वो ही उनकी जुबान पर होती है। कहने का मतलब ये कि अगर अजरबैजान के लोगों को आपसे कोई है शिकायत तो वो आपके सामने आपके मुंह पर बोल देंगे। अजरबैजान के लोगों के बीच में कालीन का इस्तेमाल करना बहुत फेमस है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के घर में एक से बढ़कर एक कालीन देखने को मिल जाती है। लोग अपने अपने घर में इतने अच्छे अच्छे कालीन लगाते हैं कि इन्हें देखने के बाद आप खूब ही कहेंगे वाह क्या शानदार घर है। लोगों के बीच में कारपेट को लेकर कितना प्यार है आप इसी बात से लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पर 2014 में ही कारपेट म्यूजियम को खोला गया था। अजरबैजान पर एक और एक ऐसी मान्यता है जो कि सबसे अलग है। यहाँ के लोग अपने अपने घरों में छोटे बच्चों को हमेशा ही साल्ट वाटर से नहलाते हैं। यहाँ ये माना जाता है कि जब आप अपने छोटे बच्चों को साल्ट वाटर से नहलाते हैं तो उससे वो आगे के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब आगे के लिए फिट हो जाते हैं। अजरबैजान की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि सबसे अलग है। यहाँ पर अच्छाई के साथ बुराई भी है। यहाँ पर हमारे देश की तरह मीडिया को फ्रीडम नहीं दी गई, मतलब अगर किसी को कोई खबर बनानी है, अगर किसी को कोई न्यूज दिखनी है तो यहाँ सरकार से परमिशन लेनी जरूरत पड़ती है। अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप इस न्यूज को टेलीकास्ट कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर किसी भी मीडिया हाउस को ये परमिशन नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ न्यूज चलाएं। हमारे देश की तरह नहीं कि कोई कुछ भी बोल जाए। अजरबैजान के मेल थोड़े रंगीन मिजाज के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औसतन ये अपनी लाइफ में 3 बार रिलेशनशिप में होते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई औसतन 3 बार रिलेशनशिप में आए तो इसका मतलब होता है कि बंदा रंगीला है, बंदा छलिया है, तभी तो यहाँ पर 60% लव मैरिज होती है। अजरबैजान के लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े फैशन शो में अजरबैजान देश की लड़कियां ही शो स्टॉपर की भूमिका में नजर आती हैं। यहाँ की गर्ल्स एक तो बोलने में बहुत अच्छी होती हैं, दूसरा ये बहुत ही फिट एंड लंबी हाइट की होती हैं, जिसका फायदा इन्हें फैशन इंडस्ट्री में मिलता है। अगर आपने यहाँ की मॉडल्स को देखा तो आप अपना दिल हार जाओगे। अजरबैजान में कैप्सियन सी बहुत ही कूल डेस्टिनेशन है, जहाँ आने से ही आपको फील होगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोट से पूरा का पूरा बाकू शहर का नजारा ले सकते हैं। यहाँ से सुबह सुबह बहुत ही क्लासी सनराइज का व्यू मिलता है, वही शाम के टाइम पर आप सनसेट देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप बोट पर खाते पीते हुए यहाँ की राइड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और अजरबैजान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको अजरबैजान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,20,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों अजरबैजान की करेंसी है मानक, जिसकी वैल्यू है लगभग 43 भारतीय रुपए के बराबर। तो ये था अजरबैजान। कैसा लगा बताइए कॉमेंट्स में। क्या कभी
भी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।